धरती हमारा गढ़वाले की कथगरों तेली स्वाणी चा हो कथगरों तेली स्वाणी चा हो कथगरों तेली स्वाणी चा हो कथगरों तेली स्वाणी चा पंच बदरी पंच केदार पंच प्रयाग इखिछन पंच प्रयाग इखिछन पंच पंडो भी एन इखी भाग हमारा धन धन भाग हमारा धन धन कुंड चिन इक काश छिन मठ इक महान छिन मठ इक महान छिन ताल सहस्त्र घाटी फूल की आसमान छिन हो गंगा जमुना इक बटी सबू की भूख तीस बुझानी जा हो कतगरों तेली स्वाणी चा धरती हमारा गढ़वाले की कतगरों तेली स्वाणी चा हाँ कतगरों तेली स्वाणी चा। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आपकी जड़ें, आपका जो बर्थ प्लेस है, आपका जो जन्म स्थान है, आपका गांव आपको खींच लाता है, और जो इसे भूल जाते हैं वो अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से नाता तोड़ लेते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और आज कहानी है बग्याली गांव की। बग्याली गांव इस इलाके के करीब 4-5 ग्राम सभाओं का एक प्रमुख गाँव है। इस गाँव में इंटर कॉलेज है और पहले से ही इस इलाके के जितने भी लोग हैं उनका शैक्षणिक केंद्र बग्याली हुआ करता था। नाव गांव से बग्याली की दूरी केवल आधा किलोमीटर है, लेकिन सड़क से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बग्याली बसा हुआ है। बग्याली से फिर बछेली है, डोबल है, उसके अलावा और सारे जितने भी गांव हैं उनका ये केंद्र बिंदु है, और इसीलिए GIC स्कूल यहाँ पर पहले हाई स्कूल तक था और उसके बाद इसको उच्चीकृत की करके 2005 में इंटरमीडिएट कॉलेज बना दिया गया। मान्यवर, देखे बग्याली तो ये जो ये क्षेत्र है पूरा, इस क्षेत्र का सबसे माना हुआ ग्राम है। आपको मालूम होना चाहिए इस गांव में मतलब तकरीबन पूरा यहाँ पे पूरे परिवार 10 माना लोग रहते हैं, और हमने ये सुना है कि ये हम लोग जो हैं आज से 300 साल पहले उज्जैन से हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ पर तो हमारे जो पूर्वज थे वो पहले से ही ज्योतिषाचार्य थे, और यहाँ पर तकरीबन आप ये देखिए कि उन लोगों ने कई लोग हमारे ऐसे थे जो हमारे दादा और परदादा थे जो कि बनारस से पढ़ के यहाँ पे आए थे, और उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी मतलब ये है कि लोगों को जागरूक किया है। जैसे कि आज से 2 साल पहले बग्याली में जो रामलीला हुआ करती थी वो पूरे मतलब ये है कि उत्तराखंड में ही एक प्रकार से बहुत प्रसिद्ध रामलीला हुआ करती थी। जैसे आप देखें कि राजेंद्र दशमाना जो हमारे पास थे, जो कि एक अच्छे पत्रकार थे, और जब सबसे पहले ये दिल्ली में रहा करते थे वो, तो वो पत्रकारिता करते थे और मतलब ये कि काफ़ी बड़े विद्वान थे इसी। हाँ, इस उसके बाद में जैसे आप राजनीति की बात में आपको करना चाहता हूँ तो राजनीति में आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे अभी हमारे पास सूर्यकांत दशमाना है, ये भी बड़े काबिल आदमी है और अपने क्षेत्र के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। उसके अलावा हमारे पास ऐसे ऐसे लोग थे जो ज्योतिषाचार्य थे इस गांव में, जैसे कि भजराम दशमाना थे, अमलानंद दशमाना थे, और आप शिक्षा विभाग में देखें तो शिक्षा विभाग में आप ऐसे देखें कि जानकी प्रसाद दशमाना थे जो आज से 100 साल पहले के MA LT हुआ करते थे। मतलब ये गांव जो है ये शिक्षा का केंद्र है। शिक्षा का केंद्र यहाँ पर तकरीबन 100 आदमी पोस्ट ग्रेजुएट है, MA है,
और अब तो ना मालूम, मुझे पता नहीं कि अब जो आपकी जनरेशन उसके बारे में इतना, पर मैं अपने अपनी बात कर रहा हूँ। मैं स्वयं 1962 आर्मी में भर्ती हुआ, वहाँ से सूबेदार मेजर रिटायरमेंट हुआ। उसके बाद में मैंने 1965 और 1971 की लड़ाइयों में भाग लिया। उसके बाद जब 1994 में यहाँ उत्तराखंड आंदोलन बहुत तेज चला, तो मेरे गांव ने उत्तराखंड आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। जब गांव से पलायन होता है तो गांव पर ही इसका असर नहीं पड़ता, बल्कि पूरी जो इकोसिस्टम है, जो खेती बाड़ी है, उन सब पर असर पड़ता है। और बग्याली गांव के टॉप में जहां से चारों तरफ की जो इलाका है वो दिखाई देता है, यानी आसपास के इलाकों पर पूरी नज़र यहां से रखी जाती रही होगी पहले पुराने समय में। इस जगह पर ये पूरा ना फुटबॉल का मैदान है, तो जब गाँव में युवाओं की संख्या, लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो ये फुटबॉल का मैदान या कोई भी खेल का ये मैदान था। यहाँ पर क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बच्चे खेलते थे, लड़के खेलते थे। लेकिन अब गांव में युवा ही नहीं है, तो ये जो आप देख रहे हैं इसकी हालत, इस ग्राउंड की। ये भैरवनाथ का मंदिर है बग्याली गांव का, काफ़ी प्रसिद्ध है। सबसे अच्छी बात है कि इस गांव के लोगों ने इस मंदिर को बहुत संभाल कर बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है। संगमरमर से पूरा तैयार किया गया है, मूर्ति भी बहुत अच्छी लग रही है। मालू के पत्ते, इसमें खाना खाने के लिए पत्तल तैयार किया जाता है, के पत्तों को जोड़कर। पहले शादी ब्याह में या किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में इन्हीं पत्तों को मिलाकर पत्तल तैयार किए जाते थे और सबको खाना उसी में ज़मीन पर बैठकर खिलाया जाता था। बग्याली गांव में भले ही लोग अब सीमेंट, सरिया और कंक्रीट का घर अपने लिए तैयार कर रहे हों, लेकिन पुराने मकान आज भी खड़े हैं। जिन मकानों में बहुत बारीकी काम हुआ है, जैसे इस मकान में जहां पर मैं खड़ा हूं, ये आज भी उसी तरीके से खड़ा है। पीछे के जो मकान आप देख रहे हैं, तो बहुत सारे मकान हैं जो खंडहर हो गए, लेकिन कई मकान ऐसे हैं जो आज भी बग्याली गाँव में जो पुश्तैनी पर्वतीय शैली के तरीके से बनाए गए हैं, वो आज भी खड़े हैं, दिखाई देते हैं। देखकर अच्छा लगता है इस गांव में आकर, ये तिबारी और ये जो हमारी लकड़ी पर बारीक काम हुआ है, देखकर काफ़ी खुशी हो रही है। पूरे पौड़ी जनपद में बग्याली गांव की जो रामलीला है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। कुछ दिन पहले यहां पर रामलीला ख़त्म हुई, अभी जो रामलीला का मंच है वो भी, जो सामान है वो रखा जा रहा है सुरक्षित।
इस गांव के जो कलाकार हैं जैसे राम सीता या हनुमान या फिर रावण, उन कलाकारों की डिमांड इतनी है कि वो दूसरे गांव में या दूसरे क्षेत्रों में रामलीला का मंचन करने जाते हैं। आप सोचिए, इस गांव से रामलीला का जो प्रचार प्रसार है वो भी गांव-गांव में हुआ, यानी यहां के कलाकारों ने और गांव के लड़कों को, लोगों को सिखाया रामलीला का पाठ कैसे करना है। गांव इतने छह की कभी समय में मतलब 100 परिवार छेगा, 100 परिवार बढ़ेगी, प्लान होगी सब, कोई लखनऊ, कोई कोटद्वार, कोई दिल्ली, देहरादून, सब जगह जगह कभी अमेरिका वाला भी आंदा छेगा, अमेरिका भी छमरे का ये खांद पूजन भोजन भैरवनाथ के पूजन का वास्ता देना, और हर मतलब अच्छा वो छे सब। एक इंच के हम चाहना चाहो कि हॉस्पिटल हो जाओ, जगह हम दिन बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, कीर्तन भजन तू ना रे नी जन नाव तरफ बन जाना, नाव साइड हम बी सेंटर नाव जने ये हम इन चंदो कि सब कुने सार्वजनिक मतलब सर्व गांव थे सब अपना छीन पूरा एरिया आप कख भी लगा लिया हम तक कख भी ले जाओ दगड़ सब पर चीज छीन। दरअसल जो है जब से हमने होश संभाला और हम जब से सुनते आए मतलब पुरखों से यहाँ की रामलीला जो है, यहाँ के लोग बहुत पहले भी यहाँ से मतलब जो है ऊपर थैलीसैंड हो गया, राठ साइड हो गया, बाहर रामलीला करने जाया करते थे। जब भी बारात कहीं जाती थी तो वहाँ एक विशेष प्रोग्राम बग्याली की रामलीला का रखा जाता था। इसके बाद लगभग 2008 से मैं भी इस रामलीला में राम की भूमिका निभा रहा हूँ, और मुझे भी कई बार अवसर मिला है बाहर के इलाकों में जाकर रोल करने का। तो एक खुशी होती है कि हम लोग अपनी प्राचीन सभ्यता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, पश्चिमीकरण हो रहा है, तो लोग इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं। ये जो संवाद हैं ये उस समय का है जब सीता जी जो हैं विलाप करके राम जी के पास पहुंचती है और जिद करती हैं कि मुझे भी वन में जाना है, मैं भी साथ चलूंगी। तो तब राम जी उसे समझा रहे हैं कि वनों का दुख जो है एक राजकुमारी के लिए नहीं है, और सीता अपनी जिद पर अड़ी हैं कि मैं भी अपने पति के साथ जहाँ वो जिस अवस्था में रहेंगे वहीं रहूँगी। तो उसी पर एक गीत है, सिए दुख वन में उठाना होगा, प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा, सिए दुख वन में उठाना होगा, प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा, कठिन भूमि पर नंगे पैरों, कठिन भूमि पर नंगे पैरों, बिना सवारी जाना होगा, सिए दुख वन में उठाना होगा, सुख दुख जो कुछ हम पर बीते, सुख दुख जो कुछ हम पर बीते, उनको साथ निभाना होगा, प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा, सिए दुख वन में उठाना होगा, प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा। Thank you.
बघेली का इतिहास ये है कि हम लोग जो है क्या कहते हैं, दसमणी गांव है ना, दसमणी गांव देवराज के काल पे था। तो दसमणी जो है माइग्रेट हुई है वहाँ से, मतलब तो कुछ तो जो है क्या कहते हैं वहाँ चले गए तोली बघेली, और कुछ रैंसली चले गए, और बघेली है केवल बघेली एक स्थान है जहाँ पूरे दसमण आई हैं, बाकी कहीं कहीं तो जजमान भी है। मतलब ये कितने सौ साल पुराना गांव है ये, होगा लगभग जो है क्या कहते हैं दो ढाई साल सौ वैसे सभी गढ़वाल में गांव जो है 400 वर्ष से ज्यादा नहीं है। ये जो है सब राजस्थान माइग्रेट हुए हैं लोग, यहाँ पहले कोल भील वगैरह ये रहते थे, कोली जो उन्हें बोली ये रहने चाहे। जी जरा सा बताइए कि जो पट्टियाँ हैं हमारी किस किस तरफ है? साहब जो है ये उत्तर में तो गुराज सिंह दिखाई दे रहा है, वो सामने। हाँ, बाकी नीचे पाटल आ गया वो यहाँ आ जाता है उत्तरी मोदा से। हाँ है, ये कॉलेज है, और इधर जो है इधर दक्षिणी मोदा से है, इधर जो है क्या कहते हैं बचेली खुले हुए। हाँ, और इधर जो है क्या कहते हैं वो आ गया अश्वाल से। हाँ, इस पहाड़ के इस पीछे नयार पार। हाँ, नयार पार। में बहुत बड़ी पट्टी है। हाँ, सतपुली तक चली गई है। हाँ, नगर गांव से लेकर के यार सतपुली तक, और फिर इस तरफ इधर जो है जेंटल छू। ये पहाड़ के पीछे। हाँ, यहाँ जो है क्या कहते हैं बहुत बड़े व्यक्ति हुए हैं शिव सिंह राउत। शिव सिंह राउत जो कि मतलब एक एकेश्वर इंटर कॉलेज के भी फाउंडर हैं। मतलब प्रियकांत दसमाना, क्या दिखाने जा रहे हैं? मैं अदरक की खेती और हल्दी के बारे में। चल ये है हल्दी। अदरक हाँ, ये है हल्दी, और भी हल्दी आगे, ये हल्दी है। ये वही अदरक है जो यहाँ पहाड़ों में होता है, ये कुछ दूसरी प्रजाति है? ना वही प्रजाति है जो पहाड़ों में होती है, और इसका 3 महीने इसका टाइम पीरियड है। हाँ, 3 महीने में तैयार हो जाता है, करीबन एक पेड़ पे कम से कम 250 या 300 ग्राम निकल जाता है। हाँ, जानवर भी नहीं खाते इसको? इसको ना तो सुअर खाता है ना कोई जानवर खाता है। हाँ, अच्छा, अब जैसे ये नींबू है तो ये भी गढ़वाल की प्रजाति है, बड़े वाले हैं छोटे वाले हैं। जापानी टमाटर है, इसका सेवन 20 आदमी एक टमाटर, इतना खट्टा होता है। इसको दाल में डालोगे तो आप इसको सीधा डालना है, पूरा ही डालना है। हाँ, उसके बाद इसका छिलका निकाल दो आप, छिलका निकालने के बाद काटना नहीं है मतलब? हाँ, काटना नहीं है। अरे 12 महीने होता है ये टमाटर। जापानी हाँ। ये कहाँ से मिला आपको इसका? ये इसका पेड़ मैं लाया था पंतनगर यूनिवर्सिटी से। कद्दू कितना हुआ इस बार यहाँ? कद्दू तो मैंने अपने आप ही कह रहा हूँ, मैं कम से कम 40-50 मैंने खेत में वहाँ रखे हुए छत पे, और आधे ऐसे ही पड़े हुए हैं। उनको पूछ रहे, लौकी अभी दिखाता हूँ मैं आपको गोल वाली। हाँ, वो कम से कम वही पेड़ पे ही है, अभी निकाली भी नहीं है, निकालने का है के लिए जब खपत ही नहीं है। अब यही चीज अगर मैं मार्केट में ले जाता हूँ तो यहाँ 50 से 60 रुपए की मिलती है, बिक्री है। और अगर मंडी में ही नजीमबाद मंडी में तो 20 से 30 रुपए में लेते हैं, तो मार्केटिंग और ऑफ सीजन में हर चीज होती है। इस समय माल्टे हो रखे हैं, नींबू हो रखे हैं, जिनका उपयोग बहुत कम है तो देना पड़ता। फिर अब अदरक है, अदरक आजकल सब जगह हो रखा है, आज जनवरी और फरवरी में यह अदरक 150 रुपये 200 रुपये 225 रुपये किलो बिकता है।
और इस समय की स्थिति है कि 40 और 50 और 80 के बीच में देना पड़ता है। तो कोल्ड स्टोर की सबसे बड़ी समस्या है कोल्ड स्टोर के एग्रीकल्चर वालों के लिए, किसानों के लिए। लिया आप क्या कहना, हमने पानी भी नहीं लाई। खाना था बड़ी इलायची, ये तेज पत्ता का है। तेज पत्ता भी अच्छा बिकता है। हाँ हाँ, खड़े मसाले में ही चलता है। पुछता नहीं चाहिए। हाँ। तो ये है बगली गांव में एक छोटा सा होम स्टे तैयार किया जा रहा है, अभी इसमें कुछ और भी काम है। यहाँ से पूरा नज़ारा बहुत सुंदर दिख रहा है। नहीं बहुत, आप बछल देख लिया, गड़ू देख लिया, सलकोट देख लिया, पाखिर देख लिया, और धूप भी। हाँ, धूप भी लास्ट समय तक आती है। हाँ, सुबह 6 बजे 7 बजे सनसेट। हाँ, बग्याली गांव में आकर आपको अगर इन पुराने जो पुश्तैनी मकान हैं, मड हाउस जिन्हें कहते हैं, मिट्टी और पत्थर के मकानों में रुकने को मिले तो कितना अच्छा होगा। और यहाँ से आप चारों तरफ की जो हमारी इस इलाके की जो पट्टियाँ हैं, जो क्षेत्र है पूरा, मतलब एकेश्वर से लेके और पूरे जो खेत हैं चारों तरफ की, वो देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए जो घर है वो तैयार हो गया है, और जिन्होंने इस होम स्टे को लेकर तैयारी कर रहे हैं उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उनसे बात करिएगा। जब भी आपको मौका मिले 12 महीने आप इस इलाके में आ सकते हैं। 1400 मीटर समुद्र से ये गांव बसा हुआ है, न ज़्यादा यहां पर ठंडा है और न गर्म है, लो हाइट का गांव है ये। चोटियों के गांव में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और जो घाटियों के गाँव होते हैं वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। इस गाँव की सबसे अच्छी खासियत है बग्याली की कि यहां पर सनसेट और सनराइज का अद्भुत नज़ारा दिखता है, और हवा तो हर समय यहाँ पर चलती रहती है। अगर यहाँ से बग्याली से डोबल की सैर करानी है तो वो भी पुराने ऐतिहासिक गांव है, 3-4 किलोमीटर पैदल का। बारह महीनों की क्या खास बात, बारह महीनों की क्या खास बात, बारह महीनों मछेरी तो छन, बारह महीनों मछेरी तो छन, बारह महीनों की क्या खास बात, बारह महीनों की क्या खास बात, बारह महीनों मछेरी तो छन, बारह महीनों मछेरी तो छन, फूल फूल लचेता का मैना, आली बिखोत बैसाख मैना, फूल फूलो लो चैता का मैना, आली बिखोत बैसाख मैना, काफल पकलू जेट मैना, धान गोडल आषाढ़ मैना, काफल पकलू जेट मैना, धान गोडल आषाढ़ मैना। बारह महीनों की क्या खास बात, बारह महीनों की क्या खास बात, बारह महीनों मछेरी तुछन, बारह महीनों मछेरी तुछन, आरू पकल सोना का मैना, मुंगरी पकली भादो का मैना, आरू पकल सोना का मैना, मुंगरी पकली भादो का मैना, जीरी पकली असूज मैना, आली बगवाल कातिग मैना, जीरी पकली असूज मैना, आली बगवाल कातिग मैना। बारह महीनों की क्या खास बात, बारह महीनों की क्या खास बात, बारह महीनों मछेरी तुछन, बारह महीनों मछेरी तुछन, ग्यों बुतेला मंगसीर मैना, ह्यों पोड़ल पूसा का मैना, ग्यों बुतेला मंगसीर मैना, ह्यों पोड़ल पूसा का मैना, माघ का मैना मकरण आली, फागुन मैना होली छरोली, माघ का मैना मकरण आली, होली का माघ का मैना मकरण आली,
फागुन में ना होली छरोली, आबो जी खेलला चल होली, बांझ का घेना डालू मबोजी, आ चल बोजी खेलला होली, बांझ का घेना छेलू मबोजी, आनाड़ी छोरा लमडाई देलू, बेटी बुआरियों की तू गाली खेलू, आनाड़ी छोरा लमडाई देलू, बेटी बुआरियों की तू गाली खेलू, बारह महीनों की क्या खास बात, बारह महीनों की क्या खास बात, बारह महीनों मछेरी तुछन, बारह महीनों मछेरी तुछन, बारह महीनों की क्या खास बात। बग्याली गांव की कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। सब कुछ है इस गांव में, लेकिन एक कमी खलती है हॉस्पिटल की। तो अगर हॉस्पिटल की भी सुविधा इस गांव में हो जाए, जो आसपास के करीब दो दर्जन जो गांव हैं उनके लोगों के लिए ये सुविधा हो जाएगी। सड़क यहां पर पहुंच चुकी है, लेकिन सड़क की हालत आपने पिछले कहानियों में देख ही लिया। फिलहाल बग्याली एक ऐसा गांव है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर सकता है। सनराइज और सनसेट का खूबसूरत नज़ारा इस गाँव से दिखता है। ऐतिहासिक रामलीला यहाँ होती है। शिक्षा का केंद्र ये पहले से ही रहा है। तो आप जरूर एक बार इस गांव में आकर पहाड़ की और पौड़ी गढ़वाल की जो ऐतिहासिक और धार्मिक गतिविधियां हैं उसको यहां आकर देख सकते हैं। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाजत दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।